आज हम डिस्कस करेंगे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर करने से पहले हमने सबसे पहले किया था सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, फिर हमने किया था सीरियल इन पैरेलल आउट, फिर हमने किया था पैरेलल इन पैरेलल आउट, और फाइनली हमने किया था पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स। पर ये वाले जो शिफ्ट रजिस्टर्स थे ये एट एक ही टाइम पे एक ही तरफ शिफ्टिंग करते थे, मतलब ये दोनों तरफ शिफ्टिंग नहीं कर सकते थे, या तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे या ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे डाटा बिट्स को, लेकिन ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। जो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है ये हमारे पास एक ऐसा शिफ्ट रजिस्टर है जो कि डेटा बिट्स को राइट साइड भी शिफ्ट करवा सकता है और लेफ्ट साइड भी शिफ्ट करवा सकता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एट अ गिवन टाइम ये या तो शिफ्ट राइट का काम करेगा या शिफ्ट लेफ्ट का काम करेगा। इट मींस इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ द ऑपरेशंस शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट साइमल्टेनियसली। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन परफॉर्म ओनली वन एंड वन ऑपरेशन। तो जो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन पार्ट है इसका, हम अगर वो लिखें कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज ए शिफ्ट रजिस्टर, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, सो दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस विच आर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग द डेटा मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, डेटा इधर राइट और लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द मोड सिलेक्टेड। मोड सिलेक्टेड कौन सा? जो हमने लास्ट टाइम किया था सीरियल पैरेलल इन सीरियल आउट में, जब हमने एक कंट्रोल सिग्नल यूज किया था, हम उसी को यहां पे, चाहे कंट्रोल सिग्नल बोल लो चाहे उसको क्या बोल लो, मोड बोल लो, मोड सिलेक्टेड। बट जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ही टाइम पे काम करेगा, या तो ये शिफ्ट लेफ्ट करेगा या शिफ्ट राइट करेगा। इट मींस बट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन ऑपरेशन मींस ऑपरेशन कौन सा, शिफ्टिंग, ओनली वन ऑपरेशन विल टेक प्लेस। सो ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन पार्ट में क्या हुआ कि ये दोनों काम कर सकता है, ये शिफ्ट राइट का भी काम कर सकता है और शिफ्ट लेफ्ट का भी काम कर सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं। और जो शिफ्ट राइट करना है या शिफ्ट लेफ्ट करना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मोड इस वक्त कौन सा काम कर रहा है। और एट अ गिवन पॉइंट ओनली वन ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, मींस या तो वो शिफ्ट राइट होगा या वो शिफ्ट लेफ्ट होगा। तो अगर हम इसकी एक ब्लॉक डायग्राम समझाएं विदाउट एनी लॉजिक कंसीडरेशंस, तो हम बोल सकते हैं कि मान लो वी आर हैविंग अ रजिस्टर ऑफ फोर फ्लिप फ्लॉप्स, फोर बिट रजिस्टर लिया हमने, तो शिफ्ट राइट का मतलब क्या हो गया, यहां से कोई डाटा आएगा इन शिफ्ट इन, यहां का डाटा इसके पास जाएगा, इसका बिट यहां पे जाएगा, इसका बिट यहां पे जाएगा और यहां से बिट बाहर हो जाएगा, ये हो गया आउट। ये किसके लिए काम कर रहा है, ये शिफ्ट राइट के लिए। शिफ्ट लेफ्ट जब करवाना हो तो इसका मतलब यहां से इन पॉइंट बनेगा, इसका नया डाटा यहां से आएगा, इसका जो बिट था वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा,
इसका बिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा और यहां का जो बिट होगा वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा और जो इसका बिट होगा वो यहां से बाहर चला जाएगा आउट। तो ये कौन सा हुआ, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि शिफ्ट लेफ्ट हो या शिफ्ट राइट हो उसके लिए हमारे पास एक मोड की जरूरत पड़ती है, लिखा हुआ हमने कि डिपेंडिंग ऑन द मोड सिलेक्टेड, ये आर ऑब्लिक एल। तो आर का मतलब क्या हो गया, राइट, जब राइट शिफ्ट करवाना हो, और एल का मतलब क्या हो गया, जब हमने लेफ्ट शिफ्ट करवाना हो। तो जो एल है ये एक्टिव कब होगा, लो के ऊपर, और ये एक्टिव कब होगा, हाई के ऊपर, मतलब जब वैल्यू क्या होगी वन, और इस केस के लिए जब वैल्यू क्या होगी जीरो। सो ये जो मोड है वही डिसाइडिंग फैक्टर है कि ये जो रजिस्टर है ये शिफ्ट राइट में काम करेगा कि शिफ्ट लेफ्ट में। ये जो हमने मोड की बात की जिसको हम कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली ए 2x1 मल्टीप्लेक्सर, जो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर आपको पता ही है कि वो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पास दो या दो से ज्यादा 2^n इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन एक ही आउटपुट होगी। दिस इज आउटपुट, दीज आर टू इनपुट्स। क्यों इनपुट्स यहां पे टू ले रहे हैं, क्योंकि या तो शिफ्ट राइट है या क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। तो ये हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन है वो सिलेक्शन लाइन को हमने यहां पे क्या नाम दे दिया हुआ है, आर ऑब्लिक एल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो अब ये जो सिग्नल है इसकी वैल्यू तो या तो जीरो हो सकती है या क्या हो सकती है वन। तो इसको हम ले लेते हैं मान लो कि ये शिफ्ट राइट के लिए है और ये क्या है शिफ्ट लेफ्ट के लिए। तो देखो जैसे ही वैल्यू इसकी मान लो वन होती है तो ये वन पे ये सिलेक्ट हो गया, तो यहां पे कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू वन होगी तो मान लो कौन सा हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है, राइट आर, और जब इसकी वैल्यू जीरो हो रही है तब हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये लेफ्ट है। इंटरचेंजेबली है, यू कैन यूज इट इन ईदर ऑफ द वेज, क्योंकि जब हम सिंपल मल्टीप्लेक्सर्स करते हैं तब हम आपको ये भी बताते हैं कि मान लो कि ये वाली वैल्यू जीरो है ये वाली वैल्यू वन है, तो जब जीरो होगा तो ये सिलेक्ट होगा, वन है तो ये सिलेक्ट होगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने वन रख दी, इसकी वैल्यू हमने जीरो रख दी। तो आर की वैल्यू वन का मतलब क्या हो गया, शिफ्ट राइट ऑपरेशन, और जब यही सिग्नल की वैल्यू जीरो है, जीरो मीन्स दिस इनपुट लाइन विल बी सिलेक्टेड, इट मीन्स शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन विल टेक प्लेस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज मल्टीप्लेक्सर्स वी आर जस्ट चेंजिंग दिस मल्टीप्लेक्सर विद वन मोड। नाउ आफ्टर फुल फ्लैश डेफिनेशन एंड इट्स ब्लॉक डायग्राम लेट अस गो फॉर द लॉजिक डायग्राम ऑफ दिस फंक्शन शिफ्ट। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द लॉजिक डायग्राम। ये हमारे पास लॉजिक डायग्राम है जो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसका जो बेसिक सेटअप है वो हमने बना दिया हुआ है। देखिए हम 4-bit रजिस्टर की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 D-type फ्लिप फ्लॉप्स हैं। नाम हमने दिया D0, D1, D2, D3। अब ये देखिए जैसे हमने पिछली बार बात की थी कि हम कंट्रोल सिग्नल्स को यूज करते हैं, जब हम पैरेलल इन सीरियल आउट की बात कर रहे थे, तो हमें पता है कि उस केसेस में हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स चाहिए होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर एक्चुअली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मोड सिलेक्ट हो रहा है। देखिए ये हमारे पास दो एंड गेट्स हैं, एक और गेट है, दो एंड और सेम वे सबके लिए। ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द मोड जो हम बात कर रहे हैं कि विच एक्चुअली डिसाइड्स द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस लॉजिक डायग्राम, दैट वेदर इट विल परफॉर्म अ शिफ्ट राइट ऑपरेशन और शिफ्ट
लेफ्ट ऑपरेशन। ये जो इनपुट लाइन है दिस इज वी कैन से द डेटा इन फॉर शिफ्ट राइट। देखिए ये राइट इस तरफ से डेटा जाएगा शिफ्ट राइट, और वैसे ही सेम वे दिस इज डेटा इन फॉर शिफ्ट लेफ्ट। बाकी सेटअप वैसे ही है, हमारे पास एक क्लॉक पल्स है विच इज एक्चुअली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लियर है, जो इनिशियली सभी वैल्यूज को रीसेट करने के लिए ताकि हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू ड्यूरिंग द ऑपरेशन ना आए। अब देखिए कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो है हमारे पास मोड, कि ये शिफ्ट राइट होगा कि शिफ्ट लेफ्ट होगा। तो इसकी हम वर्किंग समझते हैं, साथ साथ में हमें जो जो चीजें चाहिए होंगी वो हम अटैच कर लेंगे। मान लो कि जो हमारे पास ये है मोड, उसकी वैल्यू मान लो क्या है वन। वन का मतलब क्या होगा कि शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा, ये हमें मैंने बताया ही था आपको लास्ट स्लाइड में भी। इट मींस कौन सा ऑपरेशन होगा, शिफ्ट राइट का। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी हम नेमिंग भी कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी रख लेते हैं इस एंड गेट को, और इस एंड गेट का नाम दे देते हैं डी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये देखिए जब हमने वैल्यू वन की, यहां से वन आ रहा है तो इसका मतलब हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये भी वन है, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये भी वन ही आ रहा है अभी, यहां इसके साथ अटैच कर देते हैं, और ये भी वन ही है, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। और ये लेफ्ट के लिए है, इसको यहां सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को यहां अटैच कर देते हैं, इसकी वैल्यू को यहां अटैच कर देते हैं, और ये वैल्यू को हम यहां पे अटैच कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही इस मोड की वैल्यू क्या हुई, वन, वन का मतलब क्या हो गया ए बी सी डी, ये जो चार एंड गेट्स हैं मींस देन जो हमारे पास एंड गेट्स हैं कौन कौन से बताया मैंने, ए बी सी एंड डी, दे विल गेट एक्टिवेटेड, दे विल गेट एक्टिवेटेड। और मान लो जो ये दूसरे एंड गेट्स हैं उनको हमने नाम दे दिया W, X, Y और मान लो Z। तो इसका क्या मतलब हुआ, W, X, Y एंड Z, दे विल नॉट बी एक्टिवेटेड। अब होगा क्या, A, B, C, D एक्टिवेट होने से जो भी यहां का डेटा है वो इसके पास आएगा, यहां से जो भी आ रहा है क्योंकि वन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू भी जीरो। इसके डीएक्टिवेशन का क्या मतलब हुआ कि कुछ भी अगर वैल्यू अगर कहीं से भी आ रही है, जो सेकंड इनपुट इसकी होगी कहीं से भी आ रही है, चाहे यहां से आ रही है इसको, चाहे इसको यहां से आ रही है, इसको यहां से आ रही है, तो उस वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब वो यहां से यहां जाएगा, ये ऑपरेशन हो गया, इसको डेटा मिल गया फर्स्ट बिट, फिर यहां से ये भी एक्टिवेट है बी भी, तो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर सी भी एक्टिवेटेड है तो इसका डेटा यहां से यहां जाएगा और इसके और गेट के पास पहुंच जाएगा, यहां का डेटा डी के पास जाएगा और यहां का डेटा यहां पहुंच जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही L और R की वैल्यू, जो हमारा पास मोड था उसकी वैल्यू हमने वन की, तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, दैट ड्यू टू दिस, जो ये कुछ एक्टिवेट हो गए हैं A B C D W X Y Z D एक्टिवेटेड हो गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ड्यू टू दिस द आउटपुट्स ऑफ Each flip flop appear
एट द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. देखो क्या लिखा हमने कि द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप अपियर्स, द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप अपियर्स एज द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. सी द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप अपियर्स एज द इनपुट टू द नेक्स्ट. द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप अपियर्स एज इनपुट टू दिस फ्लिप फ्लॉप. द आउटपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप अपियर्स एज द इनपुट टू द दिस फ्लिप फ्लॉप. लेकिन लास्ट वाले की नहीं, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू तो आगे किसी के फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच्ड होगी ही नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट फॉर लास्ट. दिस इज द वे हाउ द शिफ्ट राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस. ये तो हम इसको मान लेते हैं केस वन. अब हम सेम वे पे केस टू की बात करें. अगर केस टू का मतलब क्या हो गया, जब हमने इस मोड की वैल्यू को क्या कर दिया, यहां पे नहीं आएगा, ये यहां पे आएगा क्योंकि एल के ऊपर बार है, यहां पे नहीं है. तो जब हमने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जीरो, तो इसका मतलब ये एक्टिव लो पे एक्टिवेट हो जाएगा. तो इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, अब ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन हो रहा है. अब वो शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ये देखिए, शिफ्ट लेफ्ट तभी हो सकता है, ये देखिए, ये यहां से डेटा इन फॉर लेफ्ट. अब जो इसकी वैल्यू है वो यहां पे आनी चाहिए. इसकी वैल्यू यहां पे आने का क्या मतलब हुआ कि ये इसकी आउटपुट है, इसकी आउटपुट यहां पे आनी चाहिए, तभी तो ये इसके लिए शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होगा. तो हम क्या करेंगे, हम इसकी आउटपुट को इसके साथ अटैच कर देंगे. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही एल की वैल्यू जीरो हुई तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देन अब क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड जो एंड गेट्स हैं दे विल गेट एक्टिवेटेड. क्यों बेटा, क्योंकि ये जीरो है, जीरो का मतलब यहां पे वैल्यू क्या आ गई, वन, यहां पे वैल्यू जीरो, यहां पे वैल्यू वन, जीरो वन जीरो वन जीरो. इसका मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो एंड गेट्स हैं, जो पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दीज फोर एंड गेट्स विल गेट एक्टिवेटेड वाइल ए बी सी एंड डी दे विल गेट डीएक्टिवेटेड. मतलब वो काम नहीं करेंगे, हम इसको ये बोल सकते हैं. अब इसके कारण क्या होगा, अब देखिए, यहां से जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, ये यहां से यहां पे आई, ये एक्टिवेटेड था, तो यहां से ये वैल्यू इस और गेट को आई, इस और गेट के कारण ये वैल्यू यहां को शिफ्ट हो गई. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी नोड की जो आउटपुट थी वो एज एन इनपुट टू डी वन बन गई. अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि जो डी वन की आउटपुट है, मतलब ये वाली आउटपुट जो यहां से भी वही है, वो इनपुट होगी डी टू को. तो डी टू को इनपुट कहां से मिलेगी, यहां से. इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं. ये देखिए, तो यहां से जो आउटपुट थी डी वन की वो यहां आई, यहां आने के बाद क्योंकि मोड की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये इसके पास आ गया और यहां से डेटा इसके पास चला गया. इसका मतलब क्या हो गया कि डी वन फ्लिप फ्लॉप का डेटा इसके थ्रू यहां पे आ गया. सेम वे डी टू का डेटा, जो डेटा बिट है, वो कहां पे जाना चाहिए, शिफ्ट लेफ्ट में डी थ्री के पास. तो डी टू का कहां पे है हमारे पास आउटपुट, ये है, और इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा, ये वाला एंड गेट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दो लाइंस को फिर अटैच कर देते हैं. ये लाइंस अटैच हो गई, मोड की वैल्यू क्या है, जीरो ही है, फिर इसका मतलब यहां से डाटा इसके पास आएगा और इसके जरिए ये डी थ्री के पास चला जाएगा. तो इस कारण क्या हो गया, ये तो यहां पे भी है क्योंकि ये डेटा इन है, तो इसकी वैल्यू भी डेटा इन बाहर से आ रहा है,
किसी फ्लिप फ्लॉप से नहीं आ रहा, तो ये डायरेक्टली हम इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इसका मतलब शिफ्ट राइट में क्या हो रहा है, D3 का डाटा D2 में, D2 का डाटा बिट D1 में, D1 का डाटा बिट D0 में। कब? जब शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो रहा है और मोड की वैल्यू क्या है 1। शिफ्ट लेफ्ट जब हो रहा है उस वक्त क्या हो रहा है, D0 का डाटा D1 में, D1 का डाटा D2 में और D2 का डाटा किसको जा रहा है, D3 को। सो हम यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस सेम वर्डिंग द आउटपुट्स ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप अपीयर्स एट द इनपुट ऑफ द नाउ नॉट नेक्स्ट शिफ्ट लेफ्ट में प्रीवियस टू द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। लेकिन क्योंकि इसका डाटा तो कहीं कहीं में जा रहा है, ये हम ले लेते हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट। क्यों? क्योंकि इसका डाटा तो कहीं पे भी आगे नहीं जा रहा। सो दिस इज द ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी ऑफ बाई डायरेक्शनल। नाउ वी रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ वन टेबल। तो टेबल में हमें पता है कि एक हमारे पास क्लॉक पल्स है, जो हम पता है कि हम पॉजिटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं। एक हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है, मोड है, और हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं Q3, Q2, Q1, Q0। ये हमारे पास जो आउटपुट्स हैं इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप की वो हैं। अब होगा क्या कि फर्स्ट क्लॉक, पहले हमने इनिशियली हमने वैल्यूज की क्या कर ली हुई है, 0। इनिशियली मान लो सभी को हमने क्या किया था, 0 कर लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर सिग्नल को यूज किया था। अब देखो आगे क्या होगा कि फर्स्ट जब हमने पॉजिटिव क्लॉक पल्स लगाई तो ये 1 ऑपरेशन, आर की वैल्यू हमने क्या कर दी अब 1, मतलब शिफ्ट राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो मान लो कि फर्स्ट जो इनपुट आ रही थी, जो पिछले हमने किया था कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप था ये वाला, ये ऐसे हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप थे, तो इसको जो डेटा इन फर्स्ट को आ रही थी उसको हमने मान लिया B1। ऐसे ऐसे डेटा आ रहा है, मतलब सीरियल ऑर्डर में B1, B2, B3 एंड B4। तो सबसे पहले यहां पे क्या आ गया, B1, ये सब क्या हो गए 0, फिर ये वाली वैल्यू 1 ही रही पल्स में। नया डेटा यहां पे आएगा, ये शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, B1, ये वाली वैल्यू बाहर जा रही है, तो ये वाला 0 यहां पे आ रहा है, ये वाला 0 यहां पे आ रहा है। ये हमने पहले भी किया था। अगली क्लॉक पल्स आई पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, ये वाली वैल्यू 1 ही रहेगी, तो B1 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, B2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, जो नया बिट आ रहा है B3 वो यहां पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला बिट बाहर निकल जाएगा। अगली जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो B1 यहां पे आ जाएगा, B2 यहां पे, B3 यहां पे आ जाएगा, और ये जो हमारे पास नया बिट है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दिस इज शिफ्ट राइट ऑपरेशन। सो यहां पे क्या हो रहा है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन। अब क्या किया हमने, अब हमने मोड की वैल्यू को 0 कर दिया और हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप लिया ही हुआ है। तो सपोज हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा होने के कारण क्या होगा, B4 बाहर आ जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, B3। अब रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, यहां पे आ गया, यहां पे B2 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा B1, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। फिर अगली पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पे क्लॉक पल्स पे वैल्यू ये 0 ही रहेगी, लेफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, तो B2 को जो है वो यहां पे आ जाएगा, B1 बिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और B3 तो बाहर चला गया, ये 0 यहां पे आ गया, और नेक्स्ट जो इनपुट डेटा इनपुट यहां से आ रहा है वो 0 आ गया। अगले पे थर्ड पे क्या होगा, अब ये वैल्यू 0 ही, अब B1 यहां पे आ जाएगा, B2 बाहर चला जाएगा, यहां पे वैल्यू 0, ये वैल्यू, ये जो नई वैल्यू आई है।
अगले क्लॉक पल्स पे क्या होगा, मोड की वैल्यू जीरो ही रहेगी। अब बी वन भी बाहर चला जाएगा तो ये जीरो यहां पे आ जाएगा, ये जीरो यहां पे आ जाएगा, ये जीरो यहां पे आ जाएगा और नई वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सीरियली क्या हो गया, अब शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होने लग पड़ा। तो इसका मतलब जब मोड की वैल्यू जीरो थी तब हमारे पास क्या ऑपरेशन हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट। दिस इज द वे हाउ बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एक्चुअली डज इट्स वर्किंग। थैंक यू।